बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन दोनों ही थिएटर्स में थर्सडे को रिलीज हुई। सोशल मीडिया पर दोनों फिल्मों की अच्छाई बुराई को लेकर फैंस काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे। अब दोनों फिल्मों के पहले दिन का कलेक्शन सामने आया है। इस साल बॉलीवुड फिल्मों के हिसाब से तो इनकी कमाई ठीक ठाक है, मगर उम्मीद से कम। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉगिन किया है फिल्म बीट। 2022 का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश थिएटर्स के लिए कमाल कर रहा है। इसके आंकड़े सामने आने लगे हैं। करीना और आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन पूरे शोर शराबे के साथ थर्सडे को थिएटर्स में रिलीज हो गई। दोनों ही फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट का ट्रेंड चला और दोनों को ही जनता ने सोशल मीडिया पर सपोर्ट भी किया। ऐसे में सबकी नजरें एक ही चीज पर टिकी थी और वो था थिएटर्स में पहले दिन का दोनों का कलेक्शन। अब लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों के ओपनिंग कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत तो ठीक ठाक मिली, लेकिन कुल मिलाकर दोनों ने जितनी कमाई पहले दिन की वो उम्मीद से यकीनन कम है। वैसे आपको बता दें, लाल सिंह चड्ढा को लेकर जिस बात का डर था वही देखने को मिला। सोशल मीडिया पर लाल सिंह चड्ढा को लेकर बॉयकॉट की जो मांग थी बड़ी तेजी से उठ रही थी। लाल सिंह चड्ढा थिएटर्स में तो आई, लेकिन उतनी ऑडियंस उसे देखने के लिए नहीं गई जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जिस तरीके से करीना कपूर खान और आमिर खान दोनों को ही ट्रोल किया जा रहा था, उन सब चीजों का असर फिल्म के फर्स्ट डे पर भी देखने को मिला। बॉयकॉट के नारों के बीच आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन दोनों ही रिलीज हुई। इसे विरोध का असर कहिए या फिर राखी के त्योहार का उस दिन होना, बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्मों की शुरुआत काफी धीमी हुई। बात करें लाल सिंह चड्ढा की तो इस वक्त लाल सिंह चड्ढा हालांकि थोड़ा सा बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ओपनिंग डे पर लाल सिंह चड्ढा को उतनी ऑडियंस नहीं मिली जिसका एक्सपेक्ट किया जा रहा था। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा देश भर में 3350 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई, जबकि अक्षय कुमार की रक्षाबंधन 2500 स्क्रीन्स पर। गुरुवार को मॉर्निंग शोज में लाल सिंह चड्ढा की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी 15-20% की, यानी सिनेमा घरों में जितनी सीटें होती हैं उसमें से लगभग 20% पर ही दर्शक नजर आए। लाल सिंह चड्ढा की पहले दिन की ओपनिंग जिस तरीके से बहुत ही धीमी रफ्तार के साथ हुई, उसको लेकर यही माना जा रहा है कि लाल सिंह चड्ढा जो है उतनी कमाई नहीं कर पाएगी जितना की फिल्म के मेकर्स ने, आमिर खान, करीना कपूर खान ने एक्सपेक्ट किया है। तमाम विरोधों के बावजूद फिल्म को बॉयकॉट करने की जो मांग चल रही थी सोशल मीडिया पर, इतने टाइम से उसका असर देखने को मिला है फिल्म रिलीज के बाद, क्योंकि इसका जो फर्स्ट डे का कलेक्शन है अगर उसकी बात की जाए तो फर्स्ट डे का कलेक्शन काफी कम रहा। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को क्रिटिक्स से मिले जुले रिव्यू मिले थे। इसके साथ ही थिएटर्स ने शुरू के शोज देखकर आ रही जनता का रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर मिला जुला ही देखने को मिल रहा है। इससे फिल्म की कमाई पर भी काफी असर पड़ा है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की शुरुआती गणित इस तरफ इशारा कर रही हैं कि लाल सिंह चड्ढा ने पहले दिन 12 करोड़ के आसपास का ही कलेक्शन किया है। वेल, 2022 में फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन के हिसाब से ये नंबर ठीक ठाक तो है, लेकिन जिस तरीके से आमिर खान की फिल्मों को तगड़ा ऑडियंस मिलता है, तगड़ी कमाई होती है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये आमिर खान के लिए काफी चौंकाने वाला कलेक्शन होगा, क्योंकि पहले ही दिन 12 करोड़ की कलेक्शन आमिर खान की फिल्मों के हिसाब से काफी कम है। वेल, अभी तो पहले दिन की ही कमाई का आंकड़ा सामने आया है, अगले 3 दिन की कमाई इनकी बॉक्स ऑफिस सेहत तय करेगी। फिलहाल तो फैंस की नजरें लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन पर रहेगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि आमिर खान की ये जो फिल्म है लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन को फैंस का किस तरीके का रिएक्शन मिला है।